मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई की है। इस दौरान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी पर पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि हवाई रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, अगर स्वर्ण रेखा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए ग्राउंड पर काम किया जा रहा है तो उसकी वास्तविक रिपोर्ट पेश की जाए। इस दौरान नगर निगम, जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी के आला अधिकारी हाई कोर्ट में पेश हुए। निगम के वकील ने को अभी की स्थिति और आगे का प्लान बताया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिर से कहा कि आप स्वर्ण रेखा नदी में आने वाले पानी के सोर्स 5 बांधों को एक साथ लिंक करें और उसके अंदर साफ पानी बहाएं। अगर बांधों पर अतिक्रमण हो गया है तो उसे हटाया जाए, कोई दिक्कत आने पर पुलिस की मदद लें। वहीं कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट KN गुप्ता से कहा कि इस बहस मामले की अपनी रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट पेश भी करें। क्या नाले का पानी नदी में बहाया जाएगा? आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में ग्वालियर के 90 से ज़्यादा नालों का पानी स्वर्ण रेखा नदी में बहाया जा रहा है। साथ ही स्वर्ण नदी पर 20 साल में तकरीबन 200 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर दी गई। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी का जो मसला है, पिटीशन की सुनवाई आज थी। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इस पर सुनवाई चल रही है। आज जो सुनवाई थी, आज एक बार फिर माननीय न्यायालय ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। और वो नाराज़गी इसलिए जाहिर की है क्योंकि एक ठोस काम जो नगर निगम को, जिला प्रशासन को, स्मार्ट सिटी को, तमाम सारे डिपार्टमेंटों को करना चाहिए था, वो नहीं किया। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि हमें कागजों में विश्वास नहीं है, आप धरातल पर काम करने का काम कीजिए। लेकिन धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने के नाम पे इनक्रेजमेंट हटाने की बात कही गई है कि हमने पेड़ लगाए हैं और इनक्रेजमेंट हम हटाने का काम करेंगे। इनक्रेजमेंट हटाने के साथ साथ जो हमारी मूल समस्या जो थी पिटीशन में, इसे कच्चा किया जाए, वो कच्चा सिर्फ अभी तक कागजों में बात की गई है। अभी तक कुछ इस पर तमाम सारे डिपार्टमेंटों की तरफ से कुछ किया नहीं गया है, जिस पर नाराज़गी जाहिर माननीय न्यायालय ने की है।